हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक्सप्लोर वायरस के नए वीडियो में, जहां हम भारत के अलग अलग शहरों पर बात करते हैं। आज एक स्पेशल शहर के बारे में बात करेंगे जिसे पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसे पंजाब का एग्रीकल्चर हब माना जाता है, और हाँ, एक ऐसा शहर जहां पूरे पंजाब की 40% इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हब लुधियाना की। इंडस्ट्रियल हब ऐसा कि हर साल $50 मिलियन का निर्यात अकेले लुधियाना से होता है। लुधियाना में एवन साइकिल, हीरो साइकिल, ड्यूक एंटरप्राइज जैसी टायर, ट्यूब और कंज्यूमर गुड्स वाली 30 से भी ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। वही भारतीय एयरटेल के सीईओ सुनील मित्तल लुधियाना के ही रहने वाले हैं। लुधियाना के लोग बड़े ही शांत और मीठा बोलने वाले होते हैं। पंजाब का एक्चुअल कल्चर लुधियाना में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये शहर भारतीय पंजाब प्रांत में सतलुज से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और भारत की राजधानी दिल्ली से 270 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में मौजूद है। ये शहर 1480 के दशक में बनाया गया था। उस समय ये नगर दिल्ली पर शासन करने वाली लोधी डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करता था। इसी वजह से इसका नाम लोधियाना पड़ा, जिसका आज बिगड़ा हुआ रूप लुधियाना के नाम से लोगों की जुबान पर रचा हुआ है। ये शहर दिल्ली से अमृतसर जाने वाले नेशनल जीटी रोड पर मौजूद है। ये शहर उत्तर भारत के बड़े रेलवे जंक्शंस में आता है। इसके अलावा ये शहर पंजाब का मेजर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हब है। पंजाब का एग्रीकल्चर हब होने की वजह से यह कॉटन, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर मशीनरी के उद्योग भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यही वो शहर है जहाँ 1962 में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। पूरे पंजाब प्रांत में नदियों की भरमार है, जिस वजह से इसको पंजाब यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र कहा जाता है। लुधियाना में सिंचाई के लिए सरहिंद से आने वाले नहर के पानी का इस्तेमाल होता है। पंजाब में सड़क पर चलते वक्त अगर PB12 या PB91 लिखी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाए तो समझ जाइए आप लुधियाना की धरती पर कदम रख चुके हैं। शहर का क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है, और पूरा जिला लगभग 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिस वजह से क्षेत्रफल के मामले में पंजाब का सबसे बड़ा जिला है। वही शहर की जनसंख्या 16 लाख से ज्यादा है। यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 5200 लोग रहते हैं, जो इसको जनसंख्या के मामले में देश का 22वां और पंजाब का पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनाता है। इस शहर में 1000 पुरुषों की तुलना में 973 महिलाएं पाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल हब के तौर पर पहचाने जाने वाले पंजाब के इस शहर में करीब 82% लोग पढ़े लिखे हैं। लुधियाना दो हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसमें एक तरफ न्यू लुधियाना और दूसरी तरफ ओल्ड लुधियाना सिटी है, जिसमें ब्रिटिश काल के सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। लुधियाना रेल और रोड नेटवर्क से देश के दूरस्थ हिस्सों से जुड़ा हुआ है। लुधियाना से आप अमृतसर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली के साथ साथ देश के बड़े महानगरों में जाने के लिए सीधी ट्रेन ले सकते हैं। लुधियाना में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो देश के बड़े बड़े महत्वपूर्ण शहरों तक जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद टूरिस्ता।